हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकलॉग जेम। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर केवीपीवाई के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आई होप ये आपकी हेल्प करेगा टू प्रिपेयर फॉर केवीपीवाई एग्जामिनेशन। तो ये जो प्रॉब्लम हमने लिया है ये 2016 केवीपीवाई से है और चलिए प्रॉब्लम को समझते हैं हम। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, देयर आर 10 एंड्स ऑन द रियल लाइन। चलो मान लेते हैं ये रियल लाइन राइट, और इस पे 10 एंड है, तो उनकी पोजीशन क्या है इनिशियली। द फर्स्ट एंड इज एट 0.1 स्क्वायर, द सेकंड एंड इज एट 0.2 स्क्वायर एंड सो ऑन, द लास्ट एंड इज एट द 0.10 स्क्वायर। ओके, अब ये बता रहे हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 1, यानी 1 यूनिट टाइम में ये जो एंट है ये मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, और जो k स्क्वायर एंट है जिसकी इनिशियल पोजीशन k स्क्वायर है वो 11 माइनस k स्क्वायर पोजीशन पे पहुंच जाती है। यानी ये जो फर्स्ट वाली एंट है, देखिए ये 1 यूनिट बाद कहाँ पहुंच जाएगी, इस पोजीशन पे, और ये वाली एंट जो है वो पहुंच जाएगी इस वाली पोजीशन पे, और ये सेकंड वाली पहुंच जाएगी इससे जस्ट पहले वाली पोजीशन यानी 9 स्क्वायर पे, और 9 स्क्वायर वाली पहुंच जाएगी 2 वाली पोजीशन पे 2 स्क्वायर। तो इस तरह से मूव कर रही है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम एट विच एटलीस्ट 2 एंट आर एट द सेम लोकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे कौन सी एंट की लोकेशन क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम सारी कैलकुलेशन करेंगे पहले kth एंट के लिए राइट। इसके लिए मैं वेलोसिटी जो है इसकी वो मान लेता हूं कि v है। तो देखिए वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, तो इसकी वही इनिशियल पोजीशन क्या है k स्क्वायर, और फाइनल पोजीशन जो है इसकी वो है 11 माइनस k स्क्वायर। तो ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये सब हुआ है पूरा 1 यूनिट टाइम राइट। तो इसका मतलब ये इसकी वेलोसिटी आ गई। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना मिलेगा हमको, 121 माइनस 22 के एंड प्लस के स्क्वायर जो माइनस के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी वेलोसिटी है। अब इससे हमें इसकी लोकेशन के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा। इसकी लोकेशन के वेरिएबल को हम एल ले लेते हैं, एल ऑफ kth एंट एट टाइम टी। देखिए ये क्या आएगा, तो इनिशियली ये एंट कहाँ थी, k स्क्वायर पोजीशन पे, और v वेलोसिटी से t टाइम मूव करने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा vt। तो इसकी लोकेशन हो गई k स्क्वायर प्लस vt। v का फॉर्मूला अगर हम ले लेते हैं तो फाइनली वी गॉट k स्क्वायर प्लस 121 t माइनस 22 kt। तो ये हमको लोकेशन के लिए एक फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए एट टाइम t मान लेते हैं कोई दो एंट आपस में मिल रही है और वो दोनों सेम लोकेशन पे है। इसका मतलब लोकेशन ऑफ kth एंट में मान लेते हैं kth एंट जो है और mth एंट जो है उनकी लोकेशन सेम हो जाती है एट टाइम t। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने से हमको क्या मिलता है, तो लोकेशन ऑफ kth एंट इज k स्क्वायर प्लस 121t माइनस 222 kt। Similarly, mth end की location होगी m square plus 121t minus 22 mt। अब आप 121t से 121t cancel हो गया। इसको अगर आप simplify करते हैं और t की value calculate करते हैं तो वो आपको देखिए क्या मिलेगी, k plus m divided by 22। तो ये फॉर्मूला हमको मिलता है जो हमें बता रहा है कि दो एंड जो है kth एंड और mth एंड वो अगर किसी टाइम t पे मिलती है तो उसको कैसे कैलकुलेट करें। ओके, अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से आगे की बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमको मिल चुका है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट एंड जो है k इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो वो बाकी एंड से कब कब मिलेगी, कौन कौन से टाइम इंस्टेंट पे मिलेगी, क्या क्या टाइम इंस्टेंट होंगे। तो फर्स्ट एंड जो है देखिए वो मिलती है मान लीजिए सेकेंड एंड से, तो हम इसमें m का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और हमें टाइम मिलेगा 3/22, यानी फर्स्ट और सेकेंड एंड की मीटिंग का टाइम है 3/22। ऐसे फर्स्ट और थर्ड एंड की मीटिंग का टाइम
एम का वैल्यू 3 पुट करने पे क्या मिलेगा अपने को 4/22। सिमिलरली 5/22 कॉमा है सॉरी एंड सो ऑन। जो फर्स्ट टर्म 10th एंड से मिलेगी तो उसका टाइम होगा 11/22, इस टाइम यूनिट पर ये मिलेगी। अब बात करते हैं के इक्वल टू 2 के लिए। जब सेकंड एंड बैक एंड से किस किस टाइम मिलती है तो सेकंड और फर्स्ट एंड की मीटिंग टाइम तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं राइट, तो उसको रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड और थर्ड एंड की जो मीटिंग होगी वो होगी एट द टाइम 5/22, सेकेंड और फोर्थ की मीटिंग होगी एट द टाइम 6/22 एंड सो ऑन। सेकेंड और नाइन्थ एंड की मीटिंग होगी एट द टाइम 11/22 और सेकेंड और 10th एंड की मीटिंग होगी एट द टाइम 12/22। नाउ फॉर k इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू, तो k की फर्स्ट और सेकेंड से मीटिंग हम ऑलरेडी करवा चुके हैं थर्ड एंड की, तो हम थर्ड और फोर्थ एंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ थर्ड और फोर्थ एंड के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7/22 टाइम, उसके बाद 8/22 एंड सो ऑन। थर्ड एंड जब नाइन्थ एंड से मिलेगी तो टाइम इंस्टेंट का वैल्यू आएगा 12/22, और जब थर्ड एंड मिलेगी 10th एंड से तो उस समय टाइम की वैल्यू होगी 13/22। सिमिलरली हम इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल k इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू, देखिए जब हम 9th एंड की बात कर रहे हैं तो उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड से तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो 9th के लिए हमें एक ही कैलकुलेशन करनी होगी कि 10th एंड से कब मिलेगी, और ये कब मिलेगी उससे 19/22 टाइम यूनिट पे। अब k इक्वल टू 10, इसके लिए अब कोई कैलकुलेशन हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसके सारे केस ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुके हैं। तो देखिए अब यहां से हमें कितनी डिफरेंट टाइम इंस्टेंट मिली, तो 3, 4, 5 अप टू 11 है, तो टोटल मिला के 9 टाइम इंस्टेंट हमको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ अब हम देखेंगे कि ये जो टाइम इंस्टेंट है 5/22, 6/22 अप टू 11/22, ये ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुकी है, तो एक ही न्यू टाइम इंस्टेंट हमको यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ से एक मिला। सिमिलरली यहाँ भी आप पाओगे 7/22, 8/22 अप टू 12/22, ये सब टाइम इंस्टेंट ऑलरेडी काउंटेड है, तो एक और नया टाइम इंस्टेंट हमको यहाँ से मिलेगा एंड सो ऑन। लास्ट में इसके लिए भी हमें एक नया टाइम इंस्टेंट मिलेगा और इसके लिए हमें कोई टाइम इंस्टेंट नहीं मिलेगा। तो ये टोटल कितने टाइम इंस्टेंट हो गए, देखिए 9 तो ये हो गए, 10th के लिए कुछ मिल नहीं रहा, फर्स्ट एंड के लिए 9th मिल गए, और बीच में जो ये 8 एंड्स है सारी, इन सब के लिए एक एक टाइम इंस्टेंट हमको मिल रहा है, तो ये टोटल मिला के 8 नए टाइम इंस्टेंट हो गए। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हमको मिल रहे हैं वो हो गए टोटल 9 + 8, दैट मीन्स 17। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 17। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। तो इसी तरह से हम लोग और इम्पॉर्टेंट और थोड़ी टफ प्रॉब्लम जो है केवीपीवाई एग्जाम की वो डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्रेस द बेल आइकन सो दैट वी कैन नोटिफाई यू व्हेन वी पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।